हाय वेलकम बैक, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक साईफाई डिजास्टर मूवी लेके आई हूँ, आर्मागेडन, जो 1998 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत होती है तब हम एस्ट्रॉइड की बरसात देखते हैं और एक स्पेस शटल अटलांटिस को वो टकरा जाते हैं जिसके कारण वो पूरी तरीके से बर्बाद होता है। आगे ये एस्ट्रॉइड धरती के एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं और दुनिया के कई सारे शहरों में इनका हमला होता है। हम न्यूयॉर्क शहर में देखते हैं जहां मानो आग की बरसात होने लगती है जिसके कारण अब नासा के ऑफिस में गड़बड़ी मच जाती है। वो पूरी इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जितने भी मेट्रॉइड गिर रहे हैं वो उन्हें एस्ट्रॉइड बेल्ट से किसी बड़े से चीज ने पुश किया है। आगे उन्हें पता चलता है वो बड़ी सी चीज और कोई नहीं बल्कि बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड है। ये एस्ट्रॉइड टेक्सास स्टेट के इतना बड़ा था और आगे आने वाले 18 दिनों में ये एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला था जिसके कारण सब कुछ नष्ट होने के कगार पे था और सारा जीवन धरती से नष्ट होने वाला था। तो दूसरी जगह पे हम साउथ चाइना के समुन्द्र में हैरी स्टैमफोर्ड को देखते हैं जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सट्रैक्शन की कंपनी थी। अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ वो भी ऑफशोर एक्सट्रैक्शन प्लांट पे ही रहता था। इस प्लांट में उसके साथ उसकी बेटी ग्रेस काम करती थी एज अ ट्रांसलेटर क्योंकि हैरी अपने वाइफ से सेपरेट हुआ था। इसके अलावा एजे नाम का हैरी का ही एक वर्कर था। यहाँ पे ग्रेस और एजे का रिलेशन चल रहा था और ये बात हैरी को पसंद नहीं आती। इसी दरमियान हम यूएस में नासा साइंटिस्ट को देखते हैं जो अलग अलग प्रपोजल लाते हैं कि आने वाले 18 दिनों में कैसे इस एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर सके। इसीलिए प्रेसिडेंट और नेशनल सिक्योरिटी चीफ इन्हें सजेस्ट करता है कि एस्ट्रॉइड को क्यों ना हम न्यूक कर दें जिसके कारण एस्ट्रॉइड नष्ट हो जाएगा और हम सेफ हो जाएंगे। लेकिन नासा हेड उन्हें बताता है कि एस्ट्रॉइड के ऊपर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो उसका परिणाम बहुत ही खराब होगा क्योंकि एस्ट्रॉइड को बाहर से न्यूक करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर न्यूक करना ही है तो हमें एस्ट्रॉइड के कोर में धमाका करना होगा। इसीलिए ब्लास्ट के कारण एस्ट्रॉइड के 2 से 3 बड़े बड़े टुकड़े होंगे और इन टुकड़ों में बटने के बाद वो धरती के आसपास से गुजर जाएगा। अब इस प्लान को लेकर नेशनल सिक्योरिटी चीफ और नासा साइंटिस्ट के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि प्लान के अनुसार इन्हें स्पेस में एक टीम भेजनी होगी जो उस एस्ट्रॉइड पर लैंड करेगी। उन्हें एस्ट्रॉइड को ड्रिल करना पड़ेगा और उसके नीचे बॉम्ब डालना पड़ेगा। लेकिन काफी आर्ग्यूमेंट के बाद इन्हें अप्रूवल मिल जाता है और नासा के ऑफिशियल हैरी को कॉन्टेक्ट करके उसे यूएस लेने के लिए जाते हैं। हैरी अपने बेटी ग्रेस के साथ यूएस चला आता है। उन दोनों को भी एस्ट्रॉइड के बारे में बताया जाता है। चीफ सारी पॉसिबिलिटी बताता है कि इवन दो ये एस्ट्रॉइड समुंदर में अगर क्रैश भी कर जाता है तो सुनामी की बहुत भयानक वेव पैदा होगी जिसके कारण यूएस तो डूबेगा ही लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया भी तबाह होगा और आगे हीट वेव के कारण काफी सारे देश तबाह हो जाएंगे और पॉपुलेशन वैसे ही कम होगा। इसीलिए हैरी को यहाँ बुलाया जाता है ताकि उसकी मशीन कैसे यूज करनी है इसकी ट्रेनिंग वो एस्ट्रोनॉट को दे। लेकिन वो मना करता है क्योंकि उसका मानना था कि उसकी ड्रिलिंग मशीन वो और उसकी टीम ही बेस्ट वे में मैनेज कर सकती है और सिर्फ 5 से 6 दिन में कोई भी एस्ट्रोनॉट पूरी तरीके से ये मशीनरी सीख नहीं सकता। इसीलिए हैरी का कहना था उसे और उसके टीम को ही स्पेस में भेजना होगा ताकि वो सही तरीके से इसे ऑपरेट कर सके। अब इस बात पे काफी बहस होती है क्योंकि एक नए टीम को स्पेस में भेजना ये कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन बाद में नासा चीफ मान जाते हैं और हैरी और उसके टीम को मिशन में शामिल किया जाता है। इसके टीम में चीक, मैक्स, ऑस्कर, रॉकहाउंड और एजे ऐसे सारे लोग थे। उन्हें जब ये सारी सच्चाई बताई जाती है तब वो मिशन के लिए मानते तो हैं लेकिन इनके कई सारे डिमांड्स थे जैसे किसी को टैक्स नहीं पे करना था या फिर उनके ऊपर जो केस थे उन्हें टेबल के नीचे डालना था। अब ये सारी मांगे मानने के बाद मिशन के लिए इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इनके फिजिकल चेकअप से लेके साइकोलॉजिकल टेस्ट और नासा की ट्रेनिंग दी जाती है अगले 12 दिन तक। इवन तो मेडिकल टेस्ट में ये लोग फेल होते हैं लेकिन नासा इन्हें स्पेस में भेजने के लिए अप्रूव करता है। इसी दरमियान एस्ट्रॉइड के कुछ पीसेस शंघाई शहर को हिट करते हैं और कुछ ही लम्हों में पूरा शहर तहस नहस हो जाता है। इससे पूरी दुनिया के लोग पैनिक होने लगते हैं और उन्हें समझ आता है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए नासा को अपना प्लान रिवील करना पड़ता है पूरी दुनिया के सामने और पूरी दुनिया की नजर नासा पे ही होती है ऑफकोर्स क्योंकि बाकी के कोई देश कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हैरी और उसकी टीम अपने मोबाइल ट्रिलर को रीडिजाइन करते हैं ताकि स्पेस के एनवायरनमेंट में वो सही से इक्विप्ड हो और इसी डिवाइस को आर्मागेडन कहा जाता है। अब वो दिन आता है जब इन्हें स्पेस में जाना था। 2 स्पेस शटल निकाले जाते हैं जिसका नाम फ्रीडम और इंडिपेंडेंस था। दोनों भी शिप में आर्मागेडन यानी इनकी ड्रिलिंग मशीन थी और फ्रीडम इस शटल में न्यूक्लियर बॉम्ब था। इनका मिशन ये था कि सबसे पहले इन्हें एस्ट्रॉइड के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लैंड करना है, उसके बाद हैरी और उसके टीम को उसी लोकेशन पे ड्रिलिंग करना शुरू करना है और वो बॉम्ब नीचे डालना है और इन्हें सेफ डिस्टेंस पे आने के बाद उसे एक्टिवेट करना है। अब ये लोग स्पेस शटल से टेक ऑफ करते हैं। अब ये लोग आउटर स्पेस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पे रशियन स्पेस स्टेशन को इन्हें डॉक करना था रिफ्यूलिंग के लिए। यहाँ पे डॉक करने के बाद ये 14 लोगों की टीम वापस रियूनाइट होती है। इस स्पेस स्टेशन का लेफ्टिनेंट था मिस्टर लीव। जब फ्यूल ट्रांसफर
हो रहा था तब लीव एजे को लेके जाता है उस पूरे प्रोसेस पे ध्यान देने के लिए और उसे कहता है जब ये मीटर 200 के आसपास पहुंचेगा तब इस प्रोसेस को बंद करने के लिए ये लीवर नीचे खींचना है। अब यहाँ पे फ्यूल भर रहा था और कुछ ही समय के बाद 200 के पास आने लगता है तो एजे लीवर को नीचे खींचने लगता है लेकिन वो लीवर नीचे जाने के बजाय उसके हाथ में आ जाता है और देखते देखते फ्यूल ओवरफ्लो होने के कारण लीक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद स्पेस स्टेशन में आग लगती है। एजे अभी भी फ्यूल पॉड में ही अटक गया था। अब इन सारे लोगों को कैसे तैसे अपने शटल को लेके वहां से निकलना था क्योंकि स्टेशन बहुत जल्द ही ब्लास्ट करने वाला था। हर जगह पे आग लगने लगी थी। हैरी एजे को निकालने के लिए जाता है लेकिन उसके पास वक्त कम था इसीलिए शटल का पायलट उसे जबरदस्ती लेके जाता है और जो उनकी शटल रहती है फ्रीडम उसे लेके ये लोग निकल जाते हैं आगे। तो दूसरी शटल चालू हो ही रही थी तभी लेव और एजे वहां से बचते हुए शटल तक पहुंच जाते हैं और ब्लास्ट के पहले ही शटल में आ जाते हैं और जैसे ही शटल वहां से निकल जाती है पूरा स्पेस स्टेशन में धमाका होता है और इतनी महंगी चीज स्पेस में तहस महस हो जाती है। लेकिन दोनों भी टीम के क्रू मेंबर सेफ थे। आगे ये सफर जारी रखते हैं और 60 घंटों के बाद ये लोग मून के आसपास पहुंच जाते हैं। वो लोग मून के डार्क साइड से टर्न लेते हैं जो कि किसी खतरे से खाली नहीं था और दूसरी साइड में उन्हें काफी दूर जाने के बाद वो एस्ट्रॉयड दिखाई देता है लेकिन उसके आसपास काफी डेब्रिस थी जो इंडिपेंडेंस शटल को टकराने लगती है। धीरे धीरे उनकी जो शटल रहती है वो क्रैश होने लगती है। ये लोग अपने शटल को काफी बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिरी में इंडिपेंडेंस ये जो शटल रहती है वो उस एस्ट्रॉयड पे क्रैश लैंड कर जाती है जिसमें उनके पायलट और हैरी के टीम के एक दो मेंबर मारे जाते हैं। इसी में एजे था। यहाँ पे एजे को थोड़ी देर के बाद होश आता है। आसपास लाशों का ढेर देख के उसका मनोबल टूटने लगता है लेकिन रशियन लेफ्टिनेंट लेव और बियर ये दोनों भी जिंदा थे। ये लोग अपने शिप से बाहर आते हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कहाँ पे इन्होंने लैंड किया है। उनके शिप में भी एक ड्रिलर की बहुत बड़ी मशीन थी। वो एक व्हीकल की तरह ही चला भी सकते थे तो एजे उस ड्रिलर मशीन को ऑन करता है और लेव और बियर के साथ ही अपने साथियों को ढूंढने निकल पड़ता है। तो दूसरी जगह पे हम फ्रीडम इस स्पेस शटल को देखते हैं जो डेब्रिस से बचते हुए सेफली लैंड कर जाती है लेकिन उनकी जो लैंडिंग की पोजीशन थी उससे वो 50 किलोमीटर दूर लैंड करते हैं जिसके कारण अब उन्हें बहुत ही मोटे लोहे की सतह पर ड्रिलिंग करनी थी। ये लोग आर्मागेडन यानी ड्रिलिंग मशीन को बाहर लाते हैं और आसपास का एरिया इंस्पेक्ट करने के बाद वहां पे वो ड्रिल करने लगते हैं। वो सतह लोहे की होने के कारण इनका एक ड्रिल टूट जाता है। आगे वापस वो लोग जब ड्रिलिंग शुरू करते हैं तब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। वो मेट्रोइड धरती से नजदीक आ रहा था। इनके सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे थे तभी इनका कॉन्टेक्ट वापस नासा से होता है। इनका एक टारगेट था कि इस समय तक अभी उन्हें करीब करीब 500 फीट नीचे ड्रिल करना था। जो इनका पायलट रहता है वो नासा को सारी रिपोर्ट देता है कि इन्हें अभी तक 500 फीट नीचे ड्रिल करना था लेकिन अभी तक 50 फीट ड्रिल भी नहीं कर पाए हैं। ये मिशन फेल होने वाला था इसीलिए ये सारा इल्जाम वो हैरी के लोगों पे डाल देता है। अब उसे नेशनल चीफ ऑफिसर जो रहता है उससे ऑर्डर मिलती है और वो हैरी का काम उसे रोकने के लिए कहता है क्योंकि प्रेसिडेंट और सिक्योरिटी चीफ ने डायरेक्ट उसे ऑर्डर दिए थे कि इनकेस अगर हैरी का प्लान फेल हो जाता है इसी समय तक तो जो बॉम्ब उन्होंने कैरी किया है वो उधर ही सतह पर ब्लास्ट कर दे। इस प्लान को नासा ने पहले ही डिसअप्रूव कर दिया था इसीलिए उन्हें भी पता नहीं था ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के ऑर्डर थे। यहाँ पे हैरी क्यूज पायलट के साथ और नीचे चीफ सिक्योरिटी और नासा हेड इनकी बहस शुरू होती है कि आप अगर ऐसा करोगे तो धरती वैसे ही नष्ट होगी लेकिन चीफ नासा की बात नहीं मानता और वे लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं। अगले 3 मिनट में वहां पे न्यूक्लियर धमाका होने वाला था। ग्रेस और बाकी के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अब वहां से निकलना था लेकिन 3 मिनट में निकलना भी पॉसिबल नहीं था। इसी दरमियान नासा का चीफ उसके टीम के द्वारा उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करता है ताकि हैरी को कुछ समय मिल सके। यहाँ पे हैरी उस पायलट को समझाने लगता है कि देखो यहाँ पे सारा कंट्रोल हमारे पास है। जो लोग धरती पे बैठे हुए हैं वो बस ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पता है। तुम अगर मेरी मदद कर सकते हो तो ये मिशन पॉसिबल हो सकता है। अब काफी बहस के बाद जाके वो पायलट मानता है और हैरी की मदद करने लगता है और उस बॉम्ब को सबसे पहले डीएक्टिवेट करता है। ये लोग अपने ड्रिलिंग मशीन को वापस शुरू करते हैं लेकिन तभी ड्रिल करते वक्त अचानक से मीथेन गैस के बड़े बड़े फव्वारे बाहर आने लगते हैं जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका होता है और इनकी ड्रिलिंग मशीन और उसे चलाने वाला मैक्स वहीं पे तबाह हो जाते हैं। अब ड्रिलिंग मशीन के बिना ये पूरा मिशन फेल हो गया था। पूरी दुनिया को ये न्यूज पता चलती है और सब लोग पैनिक होने लगते हैं। धरती पे हम देखते हैं सब लोग अपने अपने बंकर में जाके छुप रहे हैं। यहाँ पे एस्ट्रॉइड का एक टुकड़ा धरती के नजदीक आता है और पेरिस पे लैंड करता है जिसके कारण पेरिस ये शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं एजे लेव और बियर अपने टीम को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग
एक जगह पे पहुंचते हैं लेकिन रास्ता साफ नहीं था, इसीलिए वो थ्रस्टर यूज करते हैं और उड़ते हुए वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें भी रॉक स्टॉर्म का काफी मुकाबला करना पड़ता है। उनके थ्रस्टर बंद हो जाते हैं तो लेव काफी मुश्किलों से थ्रस्टर को ऑन करता है और कई सारे मुश्किलों के बाद ये लोग फाइनली अपने टीम को जाके मिलते हैं। उसे देखकर हैरी और उसकी टीम खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास ड्रिलिंग मशीन थी। अब ये लोग वापस ड्रिलिंग शुरू करते हैं। एजे मशीन को ऑपरेट कर रहा था और देखते ही देखते ये लोग 500 फीट पहुंचते हैं और उसके बाद 800 फीट तक चले जाते हैं। मीथेन गैस के फवारे वापस बाहर आने लगते हैं लेकिन एजे काफी केयरफुली ड्रिलिंग करता है, लेकिन इतने नीचे ड्रिल करने के कारण पूरी तरीके से उसकी सतह फटने लगती है और एक भारी तूफान आने लगता है। इसी तूफान के कारण बॉम्ब का ट्रिगर भी डैमेज हो जाता है, यानी अगर बॉम्ब को एक्टिवेट करना है तो किसी एक इंसान को पीछे रुकना पड़ेगा। इनकी ड्रिलिंग खत्म हो जाती है। ये टीम वापस शटल में आती है और ड्रॉ निकालती है कि वो इंसान कौन होगा जो आखिरी रुकेगा, और ड्रॉ में एजे का नाम आता है। अब एजे को यहाँ पे रुकना था, यानी वो मरने वाला था। काफी दुखी मन से वो सबका गुड बाय कहता है। हैरी उसे लेके नीचे जाता है लेकिन नीचे जाने के बाद हैरी एजे का एयर होस निकालता है और उसे वापस शिप के एलिवेटर में डाल देता है और वो बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए खुद रुकता है। हैरी एजे को कहता है कि तुम मेरे वो बेटे हो जिसका मैं हमेशा विश करता था। वो उसे कहता है कि मेरी बेटी ग्रेस का तुम ख्याल रखना, और आखिरी में वो ग्रेस को कॉल करता है और उसे गुड बाय कहता है। कि सारे लोग फ्रीडम शटल में जाते हैं और टेक ऑफ कर देते हैं उस एस्ट्रॉइड से। एक सेफ डिस्टेंस पे जाने के बाद उस बॉम्ब को हैरी नीचे डाल देता है और बटन पुश करता है जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका होता है अंतरिक्ष में। एस्ट्रॉइड के बहुत बड़े दो टुकड़े हो जाते हैं और इस धमाके के कारण वो दो अलग अलग दिशा में जाते हैं और धरती के आसपास से गुजर जाते हैं, और इसी तरह ये लोग धरती को बचाते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।